हेलो स्टूडेंट मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी पर आज हम बात करेंगे एन इंडिया जीके के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जल्दी से दो नंबर पक्के करो तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में नोटिफिकेशन बैल को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए क्वेश्चन की तरफ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो गौतम बुद्ध का जन्म पाँच सौ त्रेष्ठ ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी के अंदर वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है तो कौन सी भी जातक कथाएँ हैं जो बौद्ध साहित्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं त्रिपटक धर्मग्रंथ कौन सा है त्रिपटिक धर्मग्रंथ बौद्धों का धर्मग्रंथ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुई थी तो कहाँ पर हुई थी कुशीनगर के अंदर भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है तो नालंदा विहार सबसे प्राचीन विहार कौन सा है नालंदा विहार बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत भी पहली बौद्ध संगीति किसने की थी तो महाकश्यप ने की थी नागार्जुन कौन थे तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन कौन थे बौद्ध दार्शनिक थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित हुई थी तो राजगृह के अंदर पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंकोन सैवी धर्म चक्र परिवर्तन के विषय वस्तु के ऊपर आधारित है मिलिंद पाहो राजा मिलिंद किस बौद्ध विकसित के मध्य संवाद के रूप में है यानी कि नागसेन के बीच में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माहयान बौद्ध धर्म में बौद्ध सहितव तो अवलोकित को किस अन्य नाम से जानते हैं तो पद्म पाणी से नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस में विश्वास रखते थे तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों ही किस पर विश्वास करते थे भी तो कर्म और पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करते थे कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति किस नगर में हुई थी तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे सभी के सभी क्वेश्चन एन सी आर टी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक एग्जामिनर बार बार इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपका रिपीट जरूर होता है यानी कि हाथी किससे संबंधित है तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक और कमल है वो जन्म का प्रतीक शो करता है और सांड है वो यौवन का प्रतीक शो करता है और घोड़ा है यह ग्रह त्याग का प्रतीक करता है पिप्पल है वो ज्ञान का प्रतीक करता है और शेर है समृद्धि का प्रतीक करता है और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक करता है और स्तूप है वो मृत्यु का प्रतीक करता है एक बार और देख लो आती है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक करता है और कमल है वो जन्म का प्रतीक करता है और सांड है वो यौवन का प्रतीक करता है घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक करता है पिपल ज्ञान का प्रतीक करता है और शेर समृद्धि का प्रतीक करता है और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप है वो मृत्यु का प्रतीक करता है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, की बात करते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था तो गौतम बुद्ध का गुरु है ना अलार कलाम था कौन था गुरु अलार कलाम बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दर्शियों के ऊपर हुई थी यानी कि एक तो बूढ़ा दूसरा रोगी तीसरी लाश और चौथा सन्यासी वेराग्य भावनों पर चार दर्शियों के कारण बलवती हुई थी बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे तो सर्वास्ती के अंदर दिए थे कमेंट करके जरूर बताओ सर्वास्ती कहाँ पर पड़ती है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर है बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला के अंदर भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है तो सांची के अंदर भारत का सबसे बौद्ध स्तूप कहाँ पर है सांची के अंदर और सांची कहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश के अंदर किस बौद्ध शासक ने बौद्धों के विख्यात के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो किसने की थी धर्मपाल ने किसने की थी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना किस भाषा में हुई है तो बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना पाली भाषा में हुई है कश्मीर के कनिष्क में शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी दक्षता किसने की थी तो वसुमित्र में थी किसने की थी वसुमित्र ने की थी मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं तो ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए थे तो बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश हुए थे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था कहाँ पर दिया था अरनाथ में दिया था चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी महाप्रजापति गौतमी थी और बौद्ध गया कहाँ पर स्थित है तो बिहार के अंदर स्थित है भारत में बिहार के अंदर बौद्ध गया स्थित है जातक किसका ग्रंथ है तो बौद्धों का ग्रंथ क्या है अभी जातक आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी तो बौद्ध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है अभी धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है तो महिला और शूद्र के ऊपर प्रभाव डाला है बुद्ध के गृह ताक का प्रतीक क्या अभी आपको पिछली बार करवाया था घोड़े का बुद्ध के ग्रह ग्रहता का प्रतीक क्या है अभी घोड़े का प्रतीक है चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो कपिल वस्तु के अंदर गौतम बुद्ध के भीक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था तो नागार्जुन ने सिद्धांतता का सिद्धांत दिया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम में दो तीन बार रिपीट हो चुका है भी किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ तो अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था सांची क्यों विख्यात है क्योंकि सबसे बड़ा स्तूप है कमेंट करके बताओ भी सांची कहाँ पर है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस भाषा में ज़्यादा प्रयोग बौद्ध बौद्धवार के प्रचार के लिए किया गया था तो सबसे ज़्यादा पाली भाषा में बौद्ध के प्रचार का प्रयोग किया गया था अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था तो कुंडल ग्राम में कहाँ पर हुआ था भी कुंड ग्राम के अंदर एशिया की रोशनी किसे कहते हैं भी गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो गृह ताक को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी तो कौलीय वंश से संबंधित किस वंश से संबंधित थी ओलिया वंश से चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से हुआ तो किसके अभिलेख से पता चलता है अभी अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी लेवल तक के कवर करवाए जा रहे हैं अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे भी सर्वास्ती के अंदर सबसे अधिक उपदेश दिए थे और कौन सी भाषा के अंदर दिए थे तो पाली भाषा के अंदर सबसे ज्यादा अधिक उपदेश दिए थे महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था तो कौन सी क्षत्रिय गोत्र थी जांत्रिक थे महावीर की माता का नाम त्रिशला महावीर की माता का नाम क्या था भाई त्रिशला और महावीर का मूल नाम क्या था भाई वर्धमान अगर एग्जामिनर पूछ ले महावीर का मूल नाम क्या था तो वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी पावापुरी में जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे तो ऋषभदेव कौन थे भी ऋषभ देव जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं चौबीसवें तीर्थकर हैं और महावीर स्वामी कौन से तीर्थ करते ये चौबीसवें तीर्थ करते कौन से थे चौबीसवें चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण क्या है भी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है किससे हुआ है भी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो सतुल बद्धर क्योंकि जैन संप्रदाय में श्वेतांबर संस्थापक कौन थे भी सतुल बद्धर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा था तो ब्रह्मचार्य को जोड़ा था किसको जोड़ा था भी ब्रह्मचार्य को भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था जमाली था त्रिरत्न सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है अभी तो वह है अभी आपका जैन धर्म कौन सा धर्म है जैन धर्म के अंदर त्रिरत्तन सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की महिमा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था तो चालुक्य सोलक्यों ने राजाओं ने करवाया था किस राजाओं ने करवाया था चालुक्य और सोलंकियों ने सियादवाद सिद्धांत है तो किसका सिद्धांत अभी जैन धर्म का सिद्धांत है चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो कौन सा कहलाता है अभी चौदह पूर्व कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता तो है तो चौदह पूर्व ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ कहलाता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है आगम कहा जाता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है तो आगम जैन ग्रंथ कलप सूत्र के रचयिता कौन है तो भद्र बाहु मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी एग्जामिनर बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, है. अनेंकातवाद किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है यानी किसका है अभी जैन मंत्र का अनेकवाद किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है तो किसका है अभी जैन मंत्र का महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है तो बाहुबली के लिए की जाती है किसके लिए की जाती है बाहुबली के प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था तो पाटली पुत्र के अंदर प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था तो वल्बी के अंदर जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि के अंदर है तो प्राकृतिक और अर्धमागधी कौन सी भाषा है भी प्राकृतिक और अर्धमागधी में जैन साहित्य की संकल्पना किस भाषा के अंदर है प्राकृतिक और लिपि कौन सी है अर्धमागधी में कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था भी कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन था भी देवदत्त था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था एलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख किस से संबंधित है तो केवल वासुदेव से संबंधित है एलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख किस से संबंधित है तो केवल वासुदेव से संबंधित है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है मखली गैसाल कौन है भी मखली गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है मखली गोसाल चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था तो किसका था भी हिंदू यूनानी का वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी सांतवंतों ने प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है भी तो नालंदा विश्वविद्यालय कमेंट करके बताओ नालंदा विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर है आज की क्लास में बस इतना ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से यू तक के लेवल के सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कल बात करेंगे एम भी नया टॉपिक ले आएंगे एन सी का ही जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो आज की क्लास में बस इतना ही थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो